नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए, यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जैसे जैसे करीब है, वहीं अब यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक बड़ा आरोप लग गया है। जी हाँ, सवाल कई सारे खड़े हो गए, एक बड़ा बवाल हो गया एमसीडी चुनाव से पहले। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने जितने भी स्कूल बनाए हैं, जी हाँ जितने भी स्कूल बनाए हैं, उसको लेकर के जो है अब एक विजिलेंस रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है। उस विजिलेंस रिपोर्ट में कई सारे घोटालों को लेकर के जो है यहां पर बड़ा जो है बवाल हो गया है। जी हाँ, विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के स्कूल फॉर्मेशन में जो टेंडर देने की प्रक्रिया है, उसमें काफी ज्यादा जो है घोटाला किया गया है। वहां पर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन है, मतलब के देखिए अवैध रूप से वहां एक तरीके से कह सकते हैं जबरन वहां पर जो है टेंडर स्कूल बनाने में दिया गया है। मतलब के जो बिडिंग प्रक्रिया होती है टेंडर देने के लिए, उससे बिल्कुल इतर यहाँ पर जो है मन मुताबिक जो है टेंडर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कि विजिलेंस रिपोर्ट जिस तरीके से यहाँ पर आ रही है, उसमें यह भी बताया गया है कि ज्यादा पैसे जो है यहाँ पर जो है लिए गए हैं और स्कूल में उस तरीके का काम जो है किया नहीं गया है। ये सारी चीजें विजिलेंस रिपोर्ट में निकल करके आ रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर यहाँ पर बड़ा इल्जाम लग गया है, जिसके बाद देखिएगा आप कि अभी एमसीडी चुनाव काफी ज्यादा करीब है और एमसीडी चुनाव से पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक बड़ा आरोप लगना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा घातक हो जाएगा। भाजपा को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से भाजपा लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, वो भाजपा को एक हाथ में एक वेपन, मजबूत वेपन यहाँ पर लग गया है। विजिलेंस रिपोर्ट जो यहाँ पर निकल के आई है अरविंद केजरीवाल के स्कूलों को लेकर के, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली। हम खबर की तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे, इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।